स्टूडेंट्स एच बी ऑनलाइन क्लासेस में फेस टू फेस फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं का आप लोग को पता है एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है ना। सीजी बोर्ड का भी और खास ओपन बोर्ड का भी, ओपन बोर्ड का जो है मई में होना है और कक्षा 12वीं का भी मई से स्टार्ट होना है। तो 10वीं वाले का पेपर जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट होना है। उसकी तैयारी के लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ है ना। जो पहली बार देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ में बेल आइकॉन बटन बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसमें असाइनमेंट पेपर सारे चीज़ों का PDF बनाकर डायरेक्ट भेजता हूँ। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका PDF इंपॉर्टेंट इंग्लिश का आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेपर में आने लायक खासकर जितने भी ग्रामर है वो पढ़ने जा रहे हैं। हर साल पेपर में एक ग्रामर निश्चित तौर से आता है बच्चों। वो कौन सा ग्रामर है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये कक्षा 9वीं में 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ तक फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उनके भी पेपर्स में ये जो ग्रामर है वो बिल्कुल आता है 101%। ये हर साल आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे है ना। इसको अपन बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। है ना, अब डू एज डायरेक्टेड के अर्थ बहुत बच्चे नहीं समझ पाते। इसका अर्थ क्या होता है ना? इसका अर्थ है निर्देश के अनुसार हल करें। निर्देश यानी क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे में एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा है ना, उसी को बोलते हैं। इसको हम ग्रामर के रूप में भी ले सकते हैं, यानी व्याकरण खंड। ठीक, ग्रामर। यहाँ पर इस ग्रामर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अपन अभी पढ़ने वाले हैं है ना। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये दो क्वेश्चन अपन अभी समझेंगे। इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसको बनाना बेहद ही सरल और आसान होता है, बस कुछ बातों को आपको याद करना होगा। निगेटिव को बनाने के लिए सिंपल मेथड है, सब्जेक्ट के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है ना। नॉट लगाने के बाद बाकी सेंटेंस सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसी उतार देंगे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही इज कमिंग, ही इज कमिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक सहायक क्रिया लगा हुआ है, इसको इज बोलते हैं। इसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज नॉट कमिंग। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। वह आ रहा है, वह नहीं आ रहा है, नहीं शब्द यानी निगेटिव हो गया। इसी प्रकार यदि हम लिख दें है ना, यू कैन मेक, तुम बना सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यू कैन नॉट मेक। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन निगेटिव सेंटेंस आसानी से, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको पहचानने आना चाहिए। अब बहुत बच्चों को तो हेल्पिंग वर्ब मालूम नहीं है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण और देख लेते हैं है ना। He was collecting, है ना। He was collecting में यहाँ पर watch क्या है? सहायक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा He was not collecting। तो इस प्रकार से आप इस ग्रामर को, यानी आपको कुछ नहीं करना है, watch के जस्ट बाद not लगा देना है। आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को सामने में रख देना है और सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है। देखिए ध्यान से थोड़ा समझना है इस बात को। सहायक क्रिया जो भी दिया रहेगा, वाज, वेयर, हिज, ही, जैसे पहले एग्जाम्पल लिखा है क्या, ही इज कमिंग, ये इस कमिंग लिखा हुआ है, इसको अपने को इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए कुछ नहीं करना है, इज को यहाँ सामने रख दीजिए, ही को यहाँ सामने, जगह बस बदलना है। ये हो जाएगा इज ही कमिंग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा यहाँ पर लिखे थे यू कैन मेक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैन को सामने रख दीजिए और यू को यहाँ, तो कैन यू मेक,
तो ये हो गया दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। सहायक क्रिया के जस्ट बाद पहले उसको लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सहायक क्रिया वगैरह नहीं दिया रहता है, जैसे इज एम आर वाज वेयर हैज है और ये सारे क्या है, सहायक क्रिया है ना। अब अगर वो नहीं दिया होगा तब कैसे बनाएंगे, आइए इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फिर समझते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप कॉपी में इसको नोट कर सके। देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए है ना, जैसे कि ही मेक्स ए टॉय, टॉय मीन्स होता है वह खिलौने बनाता है, ठीक है, ये हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये जो शुरू में होता है इसी को अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य कर रहा है, तो वह कार्य कर रहा है कुछ, तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव, ये सब सहायक क्रिया होता है जो कि इसमें एब्सेंट है, नहीं दिया हुआ है। तब क्या करेंगे आप, जब इसमें नहीं दिया है तब इसके लिए तीन सहायक क्रियाएँ होती है ना, डू डज और ये डिड, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो सहायक क्रिया होता है, डू या डज, ये दो सहायक क्रिया होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, डू या डज, ठीक। अब यहाँ पर डू या डज की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें लगाना है अपने को, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए ध्यान से समझना होगा आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, है ना, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। फर्स्ट, यहाँ एग्जांपल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर गो है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट इसका सेकंड फॉर्म होता है, गॉन थर्ड फॉर्म होता है, राइट रोट राइटन, तो इस प्रकार से देखिए थर्ड फॉर्म है बाई बॉट और ये बॉट, तो देखिए ये सभी थर्ड फॉर्म है। तो इसमें ये जो पहला वाला ये लाइन लिखा हुआ है ये वाला, यही फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म एग्जांपल में होगा तो फिर वो डू या डज लगाएंगे आप, किस कोई व्यक्ति है, ही है, सी है ना, और किसी व्यक्ति का नेम है, नेम यानी कि नाम दिया हो डायरेक्ट, तब आपको डज लगा देना है, ठीक है। और आई है, बी है, यू है और दे है, ये चारों के साथ क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को समझा रहा हूँ, सेकेंड फॉर्म को नहीं। डिड सेकेंड फॉर्म में लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहला फॉर्म होने पर फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, इसको मिटा देता हूँ, इसी में आंसर लिख देंगे अभी। ही मेक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक्स, ही मेक्स ए टॉय, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे इसको समझना है आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा ही, अब इसके बाद ही के साथ क्या लगता है, देखिए डज लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, डज, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट मेक ए टॉय। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे, है ना, क्योंकि डज लग गया है, डज लगने के बाद एस नहीं रहता उसमें, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड देखिए, है ना, और बना देते हैं, यू राइट लेटर। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए राइट कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, देखिए फर्स्ट फॉर्म राइट है, है ना। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, डू या डस, तो इसका निर्धारण कैसे होगा, देखिए इस लिस्ट में यू के साथ क्या लगना चाहिए, डू लगना चाहिए, यू डू, ये हो जाएगा यू डू नॉट राइट लेटर। देखिए मैंने निगेटिव का भी थोड़ी देर पहले नियम बताया था, क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, है ना। जस्ट ये सहायक क्रिया है, डू या डज, इसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि और दूसरे एग्जाम्पल करूँ, बंद है, चालू है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड, अब यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, बी से ले लेते हैं, चलो बी प्ले,
क्रिकेट है मान लेते हैं, वो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी। वी के साथ क्या लगता है, देखिए वी के साथ डू लगता है, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया डू और डस के लिए। अब पास्ट में आते हैं, पास्ट इनडेफिनिट बोलते हैं इसको। अगर वाक्य सेंटेंस जो है पास्ट इनडेफिनिट में हो तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड फॉर्म में क्या लगाना है आपको, सदैव डिड नॉट लगाना है। क्या लगा देंगे, डिड नॉट, निगेटिव के लिए डिड नॉट लगा देना है। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को बना देते हैं, है ना। ही मेड ए टॉय, ही मेड ए टॉय, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है, तो यहाँ पर आप डिड लगा देंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट मेक ए टॉय। अब इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जब डिड लगाया जाएगा तो फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बस ये दिमाग पे थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। यू रोट लेटर, तो यहाँ पर देखिए रोट सेकंड फॉर्म है, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू डिड नॉट राइट लेटर, ठीक। ये राइट फिर से फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें सहायक क्रिया वगैरह नहीं दिया होगा तो उसके लिए तीन नया सहायक क्रिया है, है ना। क्या क्या बोला मैं, डू डज और ये डिड, जिसमें सहायक क्रिया ना दिया हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। सेकेंड फॉर्म होगा तो आपको डिड लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू या डज लगा देना है। डू या डज किसके साथ लगाएंगे उसको भी मैंने बता दिया, और इसी के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाने का नियम तो आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना। एक तो इसको भी बता देता हूँ, हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए चार उदाहरण एग्जाम्पल लिखा हूँ। ही मेड इट, वाई, आपको सिर्फ फॉर्म पहचानना है वर्ब का। वर्ब का फॉर्म कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को पढ़कर। ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में क्या लगा देते हैं, डिड लगाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को सामने रख देंगे, तो हो जाएगा डिड ही और इसका फर्स्ट फॉर्म मेक ए टॉय, ठीक है। अब यहाँ पर रोट, रोट सेकेंड फॉर्म है, पहले से बना हुआ है, देख लीजिए। रोट में डिड नॉट लगाए थे, बस डिड को सामने रख दीजिए, यही से बना सकते हैं आप। तो हो जाएगा डिड यू रोट राइट, हो जाएगा राइट लेटर, यानी कि जब सेकेंड फॉर्म हो तो फिर से फर्स्ट फॉर्म मिला देना है। कुक्स, मदर कुक्स, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने पर क्या करते हैं, डज लगाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है मदर, है ना, एक वचन में है, तो ये हो जाएगा डज, डज मदर कुक फूड। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर यू सिंग ए सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लग जाएगा, डू यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव और निगेटिव को बनाते हैं, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।